हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। आज का जो हमारा रिक्वायरमेंट है, सऊदी अरबिया का रिक्वायरमेंट है और डायरेक्ट जो है कंपनी का काम है और डायरेक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट वीजा है इसमें, ठीक है। तो 8 तारीख को जो है लखनऊ में जो है इंटरव्यू हो चुका है इस काम के लिए और आज जो है कोलकाता में इंटरव्यू है और कल 10 जनवरी है तो मुंबई में जो है इंटरव्यू रहेगा इसका। और इंटरव्यू में जो है सामने वाले बंदे को जो है देखते हैं कि बंदा कैसा है, साफ सुथरा है या नहीं है, क्योंकि ये सुपरमार्केट का जॉब है और डायरेक्ट जो है कंपनी का अलोथाइम कंपनी का रिक्वायरमेंट है और उस अलोथाइम का जो है वीज़ा लगेगा इसमें, डायरेक्ट कंपनी का ही वीज़ा लगेगा, ठीक है ना। तो इंटरव्यू में कुछ खास पूछताछ होता नहीं है, लेकिन जो कंपनी के अंदर में काम होता है उसके बारे में पूछेंगे। क्या सैलरी मैंने आपको बोला है वो पूछते हैं, लोडिंग अनलोडिंग, क्लीनिंग पैकिंग, बारकोडिंग चेक करने का, बारकोडिंग लगाने का, ये सारा जो है काम लेबर का डिग्री का है, जनरल हेल्पर का काम रहता है, तो ये सब जो है आपसे पूछते हैं, ठीक है ना। बाकी इसमें जो है जनरल लेबर चाहिए, 200 बंदे की ज़रूरत है। अलोथेम कंपनी को डायरेक्ट जो है कंपनी का ही वीज़ा है। और मर्चेंडाइजर चाहिए, 250 लोगों की ज़रूरत है। तो दोनों में सैलरी का डिफरेंस है, ठीक है ना। जो मर्चेंडाइजर रहेगा उसको इंग्लिश आनी चाहिए और कम से कम 30% 40% जो है इंग्लिश आनी चाहिए बंदे को। और जो जनरल लेबर में जाएंगे उस 200 लोगों का ज़रूरत है, 1000 सैलरी है लेबर का और इनको जो है इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। उनको 5 फुट 4 इंच जो है बंदे का हाइट होनी चाहिए और 50 से 80 किलो के बीच में बंदे को जो है वजन होनी चाहिए। और बंदा जो है सुपरमार्केट के अंदर अगर जाता है तो थोड़ा सा स्मार्ट बंदा चाहिए, साफ सुथरा बंदा चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या इंडिया के अंदर आदमी स्मार्ट भी रहता है तो कैसे भी कपड़े पहन के रहते हैं, कैसे भी खाते पीते रहते हैं, वैसा नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है ना। वहाँ पे आप जितना साफ सुथरा रहेंगे, जितना अपने आप को एक्टिव रखेंगे, उतना पैसा है। आप पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं तो आपको जो है उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा, अपने हिसाब से रहेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो है 250 मर्चेंडाइजर चाहिए और मर्चेंडाइजर का जो काम है लोडिंग अनलोडिंग क्लीनिंग पैकिंग वर्क, इनको भी लगेगा, सेम काम रहेगा मर्चेंडाइजर को। और इनको जो है स्पीकिंग इंग्लिश बोलना और समझना दोनों आना चाहिए, कम से कम 20% 30% इंग्लिश आनी चाहिए। सुपरमार्केट का जॉब है, 1200 सैलरी रहेगा प्लस साइड इनकम क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो आपको देखना है। और इनकम भाई सुपरमार्केट के अंदर बहुत रहती है, ठीक है ना। जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको मालूम है और जो जाना चाहते हैं वो बिंदास जाए, सैलरी ना देखे, क्योंकि सुपरमार्केट का जॉब है और सुपरमार्केट के अंदर जो है हमेशा सैलरी जो है कम होती है, लेकिन क्या साइड इनकम बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो मर्चेंडाइजर का जो है 1200 सैलरी है और सेम काम जो है जनरल लेबर को भी करना पड़ता है, लेकिन इसको इंग्लिश नहीं आएगा तो भी चलेगा, हिंदी आना चाहिए। पासपोर्ट ACR रहेगा, ICNR रहेगा, दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेड है। 200 लेबर चाहिए, जनरल लेबर, हेल्पर में कोई भी काम आपको वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है ना। चाहे वो साफ सफाई का हो, लोडिंग अनलोडिंग का हो, बारकोडिंग चेक करने का हो, लगाने का हो, पैकिंग करने का हो, सब काम जो है आपको जनरल लेबर में मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। और मॉल के अंदर में ही काम है, 200 बंदे की ज़रूरत है, 1000 रियल सैलरी है, बाकी खाना इसमें ही रहेगा जो सैलरी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। खाना इसमें ही रहेगा, लेकिन क्या 1000 रियल आपको बेसिक सैलरी है, लेकिन साइड इनकम बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। तो आप जाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। और ये जो कंपनी है सऊदी अरबिया के अंदर मैक्सिमम सिटी में जो है आपको ये कंपनी मिलेगा आपको, ठीक है ना, हर जगह में मिलेगा सऊदी अरबिया के अंदर सिटी में, जो भी सिटी है वहाँ पे, जद्दा रियाद, हर सेक्टर में मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें हैं। एज लिमिट जो है 21 से लेकर के 32 साल का बंदा चाहिए। हाइट जो है 4 5 फुट 4 इंच चाहिए बंदे का हाइट। और एज वेट जो है बंदे का 50 से 80 किलो के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बंदा होना चाहिए अपने आपका,
कैरी करने वाला होना चाहिए, हार्ड वर्किंग करने वाला बंदा होना चाहिए इस जॉब के लिए। तो यही सब पूछते हैं इंटरव्यू में, और कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आपको जाना है तो फटाफट जो है अपना डॉक्यूमेंट्स मर्चेंडाइजर में जाएंगे, तो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए, माई सेल्फ वीडियो। और जनरल लेबर में जाएंगे तो पासपोर्ट का बैक एंड फ्रंट का स्कैन कॉपी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। और कल जो भी बंदा इसमें जाएंगे, कल का कल मुझे जो है हमारे ऑफिस में बंदा चाहिए, इंटरव्यू रहेगा कल, ठीक है ना। तो देख लीजिए, अगर आपको जाना रहेगा तो फटाफट जो है अपना डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, ठीक है। पासपोर्ट का बैक एंड फ्रंट का स्कैन कॉपी और एक फुल साइज फ़ोटो, एक हाफ फ़ोटो, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। बाकी मर्चेंडाइजर में जाएंगे तो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए, और जनरल लेवल में जाएंगे तो कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं है, कल 11 बजे हमारे ऑफिस में बंदे चाहिए, ठीक है। और इसमें कंपनी की तरफ से जो है आपको किचन फैसिलिटीज मिलेंगे, और रूम फ्री है, मेडिकल इंश्योरेंस फ्री है, वर्क परमिट जो है फ्री है, ठीक है ना। और इसमें जो है आपको आने के टाइम में जो है 2 साल के बाद जब आप आएंगे तो लीव सैलरी भी आपको दिया जाएगा, प्लस जो है इसमें आपको रिटर्न टिकट भी दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो खर्चा है 90,000 रुपये खर्चा है, और एडवांस पेमेंट आपको कुछ भी नहीं देना है, सारा जो काम है वीज़ा लगने के बाद आपको देना है, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सकता है आप अपना जो है डॉक्यूमेंट्स भेजिए, और मुंबई में है तो कल का कल जो है मुंबई में मुझे बंदे चाहिए अगर इस जॉब में जाना चाहते हैं तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।